कुछ 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 मेरी दे करिए करिए चलिए एक नए टॉपर से मिलते हैं जोएल जोसेफ से जिनकी ऑल इंडिया रैंक 39 है जो कि केरल से हैं और क्लासरूम स्टूडेंट थे तो जोएल सबसे पहले आपको ऑल इंडिया रैंक 39 के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक यू वेरी मच और जोएल अपने बारे में सब कुछ बताएंगे मैं चाहूंगा कि आपकी जो सक्सेस जर्नी है इंटायर सबसे पहले तो केरल से भोपाल कैसे आए फिर आपका भोपाल में क्लासरूम एक्सपीरियंस कैसे रहा किस ढंग से आपने पढ़ाई की और क्या ओवरऑल आपने अपने आप में चेंजेस और डेवलपमेंट देखे तो फॉर ऑफ यू अंडरस्टैंड नाउ मी आई आई एम एम जोसेफ फ्रॉम केरला फ्रॉम फ्राम स्टेट केरला फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट कोटम तो मैंने पिछले साल भी uh, ट्राई किया था पर मेरा उतना अच्छा नहीं गया मेरा फोर थाउजेंड नाइन हंड्रेड एंड सिक्सटी रैंक आया था पिछले साल तो मैं उसके बाद ड्रॉ करने का सोच आ, सोच लिया था और पहले निम का कोर्स एम का ऑनलाइन लिया था और दस दस दिन के बाद मेरा आ, कंसिस्टेंसी उतना अच्छा नहीं हो पा रहा था इसलिए मैंने भोपाल ऑफलाइन आ गया और सर से एक साल पूरा पढ़ाई की और मेरा अच्छा रैंक है इस साल मेरा ऑल इंडिया रैंक थर्टी नाइन आया है तो देखिए जैसे अभी जोयल ने एक बात बताई कि इन्होंने पिछले साल दिया था पर फोर्थ थाउजेंड रैंक थी ऐसे में कई बार ड्रॉप लेने से मन में कई सारे कंफ्यूजन होते हैं कई सारे ड्रॉपर बच्चों को लगता है कि ड्रॉप लें या ना लें और जब बहुत ज्यादा रैंक आती तो और टेंशन होती कि इसमें आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे तो जब ड्रॉप का डिसीजन आपने लिया तो किस तरह से आपने अपने आप को समझाया या सबका कैसा सपोर्ट था और फिर आपने अपनी जो पढ़ाई की क्योंकि जब हम ड्रॉप लेते हैं तो एकदम फ्लो में नहीं आते फिर किस ढंग से फ्लो में आए और क्या ओवरऑल आपका एक, जब टेस्ट देते थे जब मटेरियल सॉल्व करते थे तो क्या क्या चीजें आपने ध्यान रखी मतलब किन बातों का ध्यान रखा जो पिछले साल नहीं कर पाए थे जो इस साल किया तो मैंने पिछले साल तो कुछ भी तैयारी नहीं की थी ऐसे ही पेपर दे दिया था तो पर पेपर, दे, पेपर देते वक्त भी मुझे लग रहा था कि एक सम मतलब मेरे से हो पाएगा उसके बाद जब मैंने पेपर देखा तो मतलब जो जो मतलब टॉपिक्स थे वो सब मैं पढ़ा हुआ था पर सारी चीज़ें मतलब मैं भूल गया था तो मैंने सोचा चलो एक बार अच्छे से ट्राई करते हैं क्योंकि पिछले बार तो मैंने मेरा हंड्रेड परसेंटेज नहीं दे पाया था तो मैंने सोचा चलो एक बार ड्रॉप कर लेते तो जब मेरे मैंने पेरेंट्स से बताया तो उनका तो हंड्रेड परसेंटेज सपोर्ट था कि तुम पढ़ो तो पर मैं मुझे ना पहले बार जब मतलब भोपाल आने का ये जो क्वेश्चन आया तो मुझे लगा कि मुझे जाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ का फूड वो सब अलग होगा कल्चर अलग होगा पर जैसे जैसे मैंने ऑनलाइन क्लासेस अटेंड की और मेरा टेस्ट का मार्क्स आया तो मुझे समझ में आया मुझे ऑफलाइन ही आके ज्वाइन करना है क्योंकि मेरा कंसिस्टेंसी घर पे नहीं हो पा रहा था तो मैंने इधर ऑफलाइन आ गया तो जब मैंने ऑफ़लाइन आ गया तो मुझे बहुत मतलब आ, आ, उतना कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था तो so, मैंने मेरे घर पे तो मैं एक घंटा भी कंसिस्टेंटली बैठ नहीं पाता था तो so, इधर आके सब बच्चे आठ आठ घंटे मतलब दो तीन घंटे लगातार बैठ बैठता है और सुबह आठ से रात को आठ आठ बजे तक भी बैठता है तो so, वो देखे मैं बहुत परेशान हो गया था तो so, पहले तीन दिन के लिए मेरे पापा भी मेरे साथ था तो जब आ, मैं मेरे को देखे पापा समझ गया कि मैं मैं थोड़ा मतलब परेशान हो रखा हूँ तो पापा ने बताया इधर आके तुम्हारा सिलेक्शन हो ना हो कुछ फर्क नहीं पड़ता पर न, मतलब तुम बहुत बहुत कुछ सीखोगे इधर से तो वो मैं मन में ले लिया और मुझे एक परमिशन मिल गया था फेलियर के लिए पर वो वो परमिशन वो परमिशन मिलने के बाद मेरे मेरे मन में आया अभी फेल हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है पर मुझे जीतना है वो मन मेरे के में के बहुत मतलब और किया और उसके बाल मुझे मिल गया आज देखो अभी आपने बहुत अच्छी एक बात बोली कि पापा ने बोल दिया कि आप यहाँ बहुत कुछ सीखोगे रैंक आए ना आए हाँ। तो एक तरह से एक डर खत्म हो जाता है जब कभी हम कोई चीज का प्रेशर लेते हैं तो ही दिक्कत होती है अच्छा भोपाल में क्योंकि आप केरल से आए तो ऑब्वियसली फूड प्रॉब्लम ये वो पर सब आपने एडजस्ट भी किया वो भी किया तो आप एक बार बताओ जब इस बार का पेपर थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था तो पेपर देख के आपके मन में क्या फील आया और कैसे अपने आप को पीस रखा कितने अच्छे से पेपर को मैनेज किया किस ढंग से मैथ्स रीजनिंग की क्योंकि हर कोई बच्चा ये जानना चाहता है कि पेपर को क्योंकि जिन लोगों के बिगड़ गए बाई चांस या जो नए बच्चे हैं उनको कैसे पेपर को हैंडल करना चाहिए ये बताओ आप क्योंकि आपने तो सबसे पहले मान लिया था कि नहीं होगा तो नहीं होगा पर यहां कुछ सीखूंगा पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इतनी अच्छी रैंक अचीव की है तो पेपर के समय क्या क्या आपके साथ हुआ और कैसे उसको हैंडल किया तो पिछले साल भी जमशेदपुर ने पेपर तैयार किया था तो सब मन में ऐसा था कि इस बार भी शायद पेपर थोड़ा इसी आएगा तो मेरा मन में भी वैसा था पर ऐसा था कि जब मॉक टेस्ट में इतना वैरायटी आता था तो उससे थोड़ा मतलब हम एडजस्ट हो गए थे चाहे कोई सा भी पेपर आ जाए हमें मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता कोई कोई सा भी पेपर आए हम फोड़ देंगे तो जब इस बार के पेपर आया था तो मेरा फर्स्ट राउंड में मैथ्स में सिर्फ नौ क्वेश्चन हुआ था पर मेरे मन में एक बार भी ऐसा एक सवाल नहीं आया कि मेरा इस बार होगा कि नहीं या इस वैसे एक भी क्वेश्चन नहीं आया और मैं सिर्फ पेपर करता गया करता गया पर उसके बाद भी मुझे लग रहा था शायद नहीं हो, हो, हो पाएगा इस साल भी पर जब आंसर के आए और सर का लाइव सेशन देख लिया तो मुझे समझ में आया हाँ मतलब कोई तो टॉप फोर कॉलेज को, में से भी ए, एक तो मिल ही जाएगा पर जब रैंक आया तो मेरा ऑल इंडिया थर्टी नाइन रैंक आ गया तो मतलब सबसे अच्छा कॉलेज ही मुझे मिलेगा तो मतलब पेपर हैंडलिंग के लिए मैं बताऊंगा कि मतलब कोई इजी पेपर आ जाए टफ पेपर आ जाए सबके लिए हमें तैयार होना है क्योंकि मेरा जब मॉक टेस्ट देता मैं देता था इधर तो मतलब जो ई पेपर है ना जो ई पेपर में मेरा अच्छा रैंक आता था अच्छा मतलब परफॉर्मेंस रहता था पर हार्ड पेपर में मेरा बहुत नीचे गिर जाता था तो मैं उसको एनालाइज किया तो और मैं समझ गया कि मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं टफ क्वेश्चंस में ज्यादा अटकता हूँ और इसी क्वेश्चन जो मेरे से बन सकता है मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता मैं सोचता हूँ ये टफ क्वेश्चन के बाद में मैं वो करूँगा पर क्या होता था आखिरी आखिर में आके जो बनता है उसको उसको देने के लिए टाइम नहीं मिलता था तो मैं वो वो मेरा वो फोल्ट में अंडरस्टैंड कर लिया और उससे मैंने धीरे धीरे मेरे टफ़ पेपर का भी अप्रोच मैंने करेक्ट कर लिया और जो आखिरी महीने में जब टफ पेपर भी आता था तब भी मेरा रैंक मतलब उसी रेंज में रहता था जहाँ मेरा इसी पेपर में भी होता था देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बातें जोल ने बताई कि सबसे पहले तो ये कि पेपर में टफ क्वेश्चन में उलझते हैं इजी बन जाते हैं यानी आपको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि आप कहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं कहाँ नहीं दूसरा पहले राउंड में पेपर में नाइन क्वेश्चन बने उसके बाद भी पेपर संभाल लिया और एक बात बिल्कुल हर बच्चे को इस बात को ध्यान देना है कि अगर पेपर इजी है टफ है जैसा भी है सबके लिए एक जैसा है तो अगर आप पॉजिटिव माइंड से पेपर सॉल्व कर रहे हो तो डेफिनेटली आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हो तो जो ल, अभी तो आपके साथ आपके फादर भी आए तो मैं उनको भी बुलाऊंगा पर मैं चाहूंगा कि पहले आप ये बताओ जो बच्चे ड्रॉप लेना चाहते हैं या ड्रॉप लेने से डरते हैं या अपने जूनियर्स को आप क्या मैसेज देना चाहोगे मैं पहले ये मैसेज सीख करना जो एम देना चाहूंगा आप लोग पहले ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का पेपर उठा के उसका क्वेश्चन करके देखिए तो मुझे लग रहा है कि मतलब मैक्स का तेटी और एल का तेटी आराम से कोई कोई भी बच्चे से बन सकता था पर सबका वो माइंड सेट का खेल था मेरा भी बहुत से फ्रेंड्स जो जिन्होंने बहुत ही अच्छा मेहनत किया था पर वो पेपर देखे घबरा गया था तो जब मैंने पेपर देखा मेरे मन में एक ही चीज़ आया घबराने से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला और उससे ज़्यादा टाइम मेरा बिगड़ने वाला है वो सोच के मैंने जितना आता है वो करने लगा उससे मेरा अच्छा रंग आया वेरी uh, गुड तो सर मैं चाहूंगा कि आप भी आइए तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी बधाई और आप केरल से भोपाल आए अवार्ड सेरेमनी के लिए इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद अब मैं चाहूंगा कि आप अपने बेटे के बारे में कुछ बताएं क्या एक्सपीरियंस रहा जैसे इसने अभी एक बात बोली थी कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है या तीन दिन में इसको थोड़ा डर लगा पर आपने इसको एक कॉन्फिडेंस दिया कि कोई बात नहीं रिजल्ट ना आए और शायद यही वजह थी कि वो रुक गया अगर मान लो एक प्रेशर हो जाता तो कई बार बच्चे बैक हो जाते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे okay, जब भी मैं इसको एडमिशन लेने के लिए सरसर के पास आया उसने मेरे को बोला आपने जाने के पहले मेरे को आके मिलके जाना मैं जाने के पहले सरसर सर के पास आया तो बोला आपका बच्चा एक इन्नासेंट छोकरा है अभी तुम अवार्ड लेने के लिए आना पड़ेगा करके मैं सोचा ये सर ने दो दिन में मेरा बच्चा को समझ लिया तो हाँ मेरे को मालूम नहीं इतना जल्दी उसने समझ लिया और सिखाने के लिए बहुत आपने बहुत बड़ा आदमी हाँ है नहीं नहीं मैंने तो अपनी बच्चों की मेहनत करता हूँ मेहनत बच्चों की ही होती है एक्चुअल में ओके, ओके, पर ये बिल्कुल सच बात है कि जब कोई पेरेंट्स आते हैं तो मेरा अंदर से ये इच्छा होती है कि बच्चे इतनी मेहनत करें कि अगले साल पेरेंट्स आज इतनी उम्मीद से छोड़ के गए तो अगले साल वो अवार्ड लेने भी आए और आप आज आए ये मुझे मेरे लिए बहुत खुशी की बात है ओके, थैंक ओके यू